हेलो फ्रेंड्स, मैं माधुरी और माधुरी वाला किचन में आप सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम उस अचार की रेसिपी आपके साथ शेयर करेंगे जो आप 12 महीने इस अचार को बना सकते हैं। और ये अचार आप छोले भटूरे के साथ या कोई भाजी के साथ इसे खाइए, इसका स्वाद जो है कि दोगुना बढ़ा देंगे। तो चलिए हम देखते हैं इस अचार को बनाने के लिए क्या क्या सामान लगते हैं। तो आज हम बनाएंगे अचार, तो उसके लिए हमने क्या क्या लिया हुआ है। तो हमने यहाँ 2 मूली ली है, 2 गाजर है और हमने ये नींबू नींबू मेरे पास इस वक्त थोड़ा कम है। और यहाँ मैंने कुछ हरी मिर्च ली है, कुछ अदरक है, मैंने छील लिया है इसे, और एक फूल गोभी है, मैंने इन सबको लिया हुआ है। और कम से कम मेरे पास 1 या 1.25 kg ये सब है। तो हम क्या करेंगे कि पहले इसे हम काटेंगे। तो हम काटेंगे कैसे ये देख लेते हैं। मिलता तो है, आप ये अचार जो है कि हर सीजन में बना सकते हैं, जब भी चाहे बना सकते हैं, लेकिन इस समय हर चीज़ बहुत ही फ्रेश आ रहा है और सीजन ही है, ताज़ा है। तो मैंने देखे इस तरह हम मूली को कट करेंगे इतने लंबे लंबे। तो मैं क्या करूँगी, मूली को, गाजर को, अदरक को, सब चीज़ों को मैं काट लेती हूँ। और मैं आपको गाजर को भी बता देती हूँ। इन सब्जियों को हमने क्या किया है कि धो लिया है, अच्छे से पोंछ लिया है और सुखा लिया है। इसमें पानी की नमी बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। तो ऐसे करके हम गाजर को भी काट लेंगे। और अगर ये वाला पीला वाला पार्ट अगर बहुत ज़्यादा है तो आप इसको इस तरह करके निकाल सकती हैं। ऐसे करके हम जो है कि सारी सब्जियों को हम काट लेते हैं। ऐसे पीला वाला पार्ट हम निकाल देंगे, बहुत ज़्यादा है। और ऐसे करके अदरक को भी हम जैसे कि स्लाइस में ही काटेंगे। ये देखिए मेरे पास एक है, ऐसे करके। तो इसी तरह करके हम सारी सब्जियों को पहले काट लेते हैं। और गोभी है, उसे भी हम छोटे छोटे टुकड़ों में कर लेंगे। तो ये देखिए मैंने सारी सब्जियों को काट लिया है और मिर्ची को भी मैंने फाड़ लिया है। आप चाहें तो मिर्ची को इसमें 4 भाग भी कर सकती हैं, तो मुझे ऐसा अच्छा लगता है तो मैंने किया है। और नींबू के मैंने 4 टुकड़े कर लिए हैं और गोभी को मैंने ऐसे काट लिया है। सारी सब्जियां हमारी कट गई हैं और हम चलते हैं गैस की तरफ। तो कढ़ाई गर्म हो चुकी है हमारी, तो इसमें हम डालेंगे तेल। तो तेल कम से कम हम 1 कप ले रहे हैं। तो ये देखिए अब हम इसमें क्या करेंगे, डालेंगे कुछ मसाले। यहाँ मैं ले रही हूँ 5 फोरन। तो यहाँ मैंने 1 चम्मच कलौजी लिया हुआ है, 1 चम्मच जीरा है, 1 चम्मच सौंफ है और 1 चम्मच ये हमारी मंगरेल है, छोटी सरसों के दाने जैसी है। और 1/2 चम्मच मैंने यहाँ लिया हुआ है मेथी दाना। तो इन सबको क्या करेंगे, पहले खूब तेल गर्म हो जाएगा तब हम मसाले को डालेंगे। तो तेल हमारा गर्म हो गया है, जो है कि गैस को हम बंद कर देंगे। और ये जो मैंने मसाला दिखाया है 5 फोरन, तो अब हम इसको इसमें डालेंगे। तो मैं यहाँ ले रही हूँ 2 चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च, इससे कलर बहुत अच्छे आएंगे हमारे अचार में। और मैं यहाँ ले रही हूँ लाल मिर्च तीखी वाली, इसको 2 चम्मच लेती हूँ। और फिर सबको डाल के हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। मैंने इसलिए गैस बंद किया क्योंकि गैस अगर जलता रहता तो हमारे जो है कि मसाले जो हम डालेंगे उसको जलने का डर रहता, इस वजह से मैंने गैस को बंद कर दिया है। तो अब देखिए हमारे मसाले भी जो है कि भून चुके हैं, तो अब हम डालेंगे अपनी इन सब्जियों को। तो जब सब्जियाँ हमने काट ली है, अब इन सब्जियों को हम इसमें डाल करके और अच्छे से हम इसे मिक्स करेंगे। अब इसे हम मिक्स कर लेते हैं। तो सारे सब्जियों को डाल के मैंने इसे मिक्स कर लिया है और गैस को मैंने जला लिया है। और गैस की फ्लेम मैंने बिल्कुल स्लो की हुई है, और स्लो गैस पे हमें इसे पकाना है कम से कम 5 से 6 मिनट तक, गैस को तेज नहीं करना है। तो अब इसमें हम डालेंगे नमक, और नमक थोड़ा हमें ज़्यादा डालना है, तो 2 चम्मच, 1 चम्मच मैं और ले लेती हूँ। अब इसमें हम डालेंगे काला नमक, तो 1 चम्मच हमने यहाँ काला नमक लिया।
और इसमें हम डाल रहे हैं, ये हमने सरसों लिया है, तो ये जो काली वाली राई होती है हमने वही लिया है, तो इसे भी हम 3 चम्मच डालेंगे। और अगर आपके पास ये काली वाली राई ना हो तो पीली भी राई आप ले सकते हैं। तो इन सब को डाल के हम मिक्स कर लेते हैं। तो इसे भूनते हुए मुझे 2 से 3 मिनट हो गया है और ये काफ़ी सॉफ्ट भी हो चुका है, तो थोड़ा सा हम 1-2 मिनट और इसे भूनेंगे। तो मैंने इसमें राई डाला है, अगर आप इसमें जो है कि कोई भी विनेगर डालना चाहते हैं, चाहे सिरका डालना चाहते हैं अचार में खट्टेपन के लिए, तो वो आप डाल सकते हैं, या तो अमचूर पाउडर भी इसमें डाल सकते हैं, उससे भी खट्टे हो जाएंगे। तो यहाँ मैंने जो है कि सरसों डाला है, तो ये सरसों भी जो है कि अचार को खट्टापन ही देगी, क्योंकि अचार हम बना रहे हैं तो इतनी जल्दी हमारे अचार तो खराब ख़त्म नहीं हो जाएंगे, इसे तो खैर चलेंगे ही ज़्यादा दिन, लंबा दिन, तो इसलिए मैंने इसमें सरसों डाला। ये धीरे धीरे ही खट्टापन होते जाएंगे। तो अब देखिए हम इसे 1 मिनट और पकाएंगे। 5 से 6 मिनट देखिए हो गया है और हमारा अचार काफ़ी सॉफ्ट हो गया है। तो अब हम क्या करेंगे, गैस को बंद कर देंगे और अचार को हम ठंडा होने देंगे, और हम गरम गरम जो है कि जार में नहीं भरना चाहिए, क्योंकि जब अचार ठंडी हो जाए तभी हमें जार में अचार को भरना चाहिए। तो जार आप कोई शीशे का ले लीजिए, उसे धो लीजिए, साफ़ कर लीजिए, उसे धो भी खा लीजिए, तभी जार में आप अचार को जो है कि भरिएगा। तो हम इसे ठंडा होने देते हैं। तो अचार को कम से कम 4 से 5 मिनट हो गए पकते हुए, तो अब हम इसमें डालेंगे चीनी। चीनी से जो है क्या होता है ना कि हमारे जो है अचार के स्वाद और भी बढ़ जाते हैं, तो आप इसे ज़रूर डालिए, इसे स्किप मत करिएगा। तो मैं चीनी भी डाल के इसे मिक्स कर लेती हूँ। अब जो है कि ये अचार हमारे बन करके तैयार हैं, तो मैं गैस को अब बंद कर देती हूँ और इसे ठंडा होने देती हूँ। जो है कि आप जब भी अचार किसी डब्बे में भरें या जार में भरें, तो क्या करें कि अचार को ठंडा होने दें, और ठंडा होने पर ही अचार को भरें, गरम गरम ना भरें। तो अचार को मैं ठंडा होने देती हूँ, और कोई भी जार आप लीजिए, शीशी, कम से कम आप शीशे का जार इस्तेमाल कीजिए, शीशे के जार में ही अचार को रखें, उससे जो है कि अचार काफ़ी लंबे दिन तक चलते हैं और अच्छे रहते हैं। अब हो सके तो आप प्लास्टिक का भी जार इस्तेमाल कर सकते हैं, तो उसे धो लीजिए, धूप दिखा लीजिए, इसके बाद अचार को उसमें भरिएगा। तो मैं गैस को बंद कर देती हूँ और अचार को ठंडा होने देती हूँ। तो अब इस अचार को मैं जो है कि इस जार में, अरे इस कांच के बाउल में जो है कि मैं रख रही हूँ, और थोड़ा सा ठंडी हो जाए तो मैं इसे किसी भी कांच के डब्बे में या जो है कि प्लास्टिक के डब्बे में इसे मैं स्टोर करके रख दूँगी। और ये अचार बगैर धूप के हैं तब भी जो है कि ये ख़राब नहीं होंगे, आप चाहे इसे जितना दिन स्टोर करके रखें। अगर आप इसमें हरी मटर डालना चाहती हूँ तो एक आध कटोरी इसमें हरी मटर भी डाल। तो ये अचार हमारे जो है कि बन करके तो तैयार है ही है, अभी खाने लायक भी हो गए हैं। आप इसे जो है कि जो छोले भटूरे या पराठे के साथ आप इस अचार को खा सकती हैं। ये अचार बहुत ही टेस्टी लगेंगे और बहुत ही अमेजिंग लगेंगे। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करने में बिल्कुल कंजूसी मत कीजिएगा, और बेल आइकन पे भी प्रेस कीजिएगा कि जब भी मैं कोई नई रेसिपी डालूँ तो उसकी नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिलेगी। तो अगली रेसिपी लेके अगले दिन हाजिर होते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।